Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ एक बहुत ही यम्मी ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये है फ़िश तंदूरी। ये बहुत यम्मी है, स्पाइसी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनेगी और बहुत कम टाइम में बनेगी। हम इसको ओवन में बनाएंगे। अगर आप भी बनाना चाहते हो सेम रेसिपी तो देखिए इस वीडियो को एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी चॉइस है, आप अपने चॉइस से कोई भी फ़िश ले सकते हैं और उसको वॉश कीजिए और ऐसे कट्स लगाइए। इस कट से मसाला पूरा अंदर तक मैरिनेट होगा और बहुत अच्छे से कोटिंग होगी। तो चलिए हम पहले मसाला रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। दही हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ तंदूरी मसाला 2 टेबल स्पून। ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। रेड चिली पाउडर इसमें जाएगी 2 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। इसमें मैं डाल रही हूँ रेड फूड कलर। ये तंदूरी के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसको स्किप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट कलर इसका बहुत अच्छा आएगा। लेमन जूस इसमें जाएगा 1/2। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। आप इसमें कुकिंग ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। इन सारे मसालों को जितना आप मिक्स करोगे सारे फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे। अब हम फिश के ऊपर ये मसाले को अप्लाई करेंगे। हमें अच्छे से इसको कोट करना है। इसके कट्स में भी मसाला जाना चाहिए, अंदर बाहर हर तरफ से इसे अच्छे से कोट कीजिएगा। अगर आप चाहो तो इसको मैरिनेट करके रख सकते हो जितना आपके पास टाइम हो, और आप इसको सेम टाइम में भी बना सकते हैं। ये देखिए मसाला लग चुका है। इस तरह से इसे पूरा कोट करना है। अब हम इसको बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे मैंने बेकिंग ग्रिल दी है, नीचे इसके मैंने ट्रे रखा है। मैं इसको ब्रश कर रही हूँ ऑयल से। अगर आप इसको ओवन में नहीं बनाना चाहते तो आप इसको पैन में भी बना सकते हो। अब हम फिश को ट्रांसफ़र करेंगे इस ग्रिल पे। इसे बेक करने के लिए हम तब जलेंगे, तब हम इसे दोनों तरफ से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे, और इसे हम 15 मिनट के बाद पलट देंगे और फिर इसमें एक बार ऑयल का ब्रश करेंगे। ये देखिए 15 मिनट्स हुए हैं, मैं इसको ऑयल से ब्रश कर रही हूँ और मैं इसको फ्लिप कर दूँगी।
आपके स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही है Rasmina786। आप चाहो तो उसे फॉलो कीजिए और कुकिंग से रिलेटेड मुझसे वहाँ पे कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैसेज कीजिएगा। इसको पलटने के बाद हम फिर से इसको 15 मिनट के लिए बेक कर देंगे और ये डन हो जाएगी। ये देखिए 15 मिनट के बाद हमारी यमी स्पाइसी तंदूरी फिश रेडी है। इसका लुक इतना यमी है और ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप पैन में बना रहे हो तो पैन में भी आप इसको 15 मिनट के बाद पलट दीजिएगा और इसको लो फ्लेम पे बनाइए, ये सेम ऐसे ही बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू यूज़र्स है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल व्यूवर्स, और इस वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर टू ऑल।